देखन दियो भैन। ओ भैन कुछ नहीं आ, वजह की है मैं देख मेरी गर्दन दर्द करती पी सी तो मैं इसी बात वो मूँह उत्ते किया वा है कुछ नहीं उत्ते। शेरू बबलू पिंकी कैसी है टैनी है नी चिचू मिचू माशाल्लाह रांझा आई लव यू हीर कैसी है तू ठीक है खुश है रांझा तू कैसा है। अस्सलामु अलैकुम हाजरीन नाजरीन मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई सब कैसे हैं। सर न अक्सर ना मेरे ना मेरे दोस्त वाल करते इहदा काला गोश्त आ हलाल आ या हराम आ ब्लैक मीट हलाल हुंदा या हराम हुंदा। सर इहदा सवाल का जवाब है वा हर 20 to 40 किलोमीटर ते ना तुसी मिस्री लै लो देसी लै लो अल्लाह पाक दा निज़ाम आ चेंज आ ते हर निज़ाम चेंज आ अल्लाह पाक नूं इधर इहदा सिस्टम आ ते चेंज आ कुदरती मामला वा। हाँ इहदी निशानी है वा बांग दे रही आ हलाल आ हलाल आ बांग दे रही आ सत्तवें आसमान ते भी बांग दे रहा हुंदा ना मुर्गा ते हलाल आ जान दे रहा ते अल्लाह पाक दी रहमत आ सुबह जान दवे ते तुहानू नमाज दा हुक्म करदा वा ए बांग जो आ देखा ना ये हलाल होण दी निशानी आ। ते इहदे गोश्त अल्लाह पाक ने कोई 800 साल तो कोई निज़ाम बनाया ते लोगों का ये सिस्टम बनया माशाल्लाह ये 800 साल तो दुनिया ते आई है ते इहदा काला गोश्त आ ब्लैक मीट इहदी निशानी आ इहदे विच आयरन आ फलाद आ यूरोप ने भी तहकीक की अमेरिका ने भी की इंडिया ने भी की हर चीज़ इनू मानते हर ब्रीड हर दुनिया पूरी दुनिया इनू मानती है ते पूरे वर्ल्ड जिन्ना खान का मीट आना हलाल मीट ठीक है ना सब तो महंगा गोश्त खान चाहिए वा ते अमेरिका च इहदा रेट आ तकरीबन 6-7 लाख रुपया पाकिस्तानी किलो पर के जी ते इंडिया च 1.5 to 2 लाख रुपए पर के जी आ ते लोकी खांदे हलाल आ क्योंकि इहदे विच आयरन आ फलाद आ विटामिन आ कैल्शियम आ सारा कुछ आ ठीक है ना ते उहदे तो बाद जिहड़ी इहदी बांग हुंदी आ ते तुहानू सुबह नमाज वास्ते ठांदी आ उस तो बाद घर च बराबर आते बजुर्गों को सुने वा रवायात भी आ हदीसा च भी आते ये आन के नाल आवाज़ सुनो तो कोई दुआ मंगो तो अल्लाह पाक वो दुआ कबूल करता वा मुर्गी की आवाज़ सुनो ठीक है ना तो जो बांग सुनो तो अल्लाह पाक दुआ कबूल करता वा। हाँ अगर तुम गधे की आवाज़ सुनो ठीक है ना शैतान को पनाह मंगो वो शैतान आ वो शैतान नूं तुसी हो जांदा उहदा हिसाब तो उदों अस्तगफार पढ़ो जो गधे की आवाज़ सुनो इहदी आवाज़ सुनो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो तो दुआ करो अपने वास्ते अल्लाह पाक साढ़े वास्ते सानिया पैदा करे रिज़्क़े हलाल आ खाओ ब्लैक मीट आ इहदे विच बहुत कुछ आ 800 साल हो गए दुनिया ते आए नूं ते अल्लाह पाक दा एक निज़ाम आ चलदा पिया वा चलदा रहना वा हुंदा रहना वा ठीक है ना। उस तो बाद जिहड़ी बांग दे को सत्तवें आसमान ते भी है ना वो हलाल आ ठीक हो गया भाई जान जी जी आ वाइट मुर्गा ते वाइट मुर्गी इहदियां रवायात भी है इहदा अपना एक निज़ाम आ हुस्न आ खूबसूरती है रवायात चा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बहुत पसंद सी वाइट मुर्गा ज़ईफ रवायात है ठीक है ना उन्हां नूं बहुत पसंद सी। उस तो बाद सर साढ़े बौजदाद का सिस्टम चलता आ रहा वा इत निज़ाम हो रहा वा अल्लाह पाक कुछ सिस्टम आ तो चलते ही रहना वा होंदे ही रहना वा तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट करो ख्वा तुसी मिस्री रखो ख्वा तुसी जिहड़ा मर्जी रखो ये अल्लाह का निज़ाम है इत्थे चलता रहना वा तो इहदी आवाज़ सुन के अल्लाह का शुक्र है। देई जरा जान जान देई रांझा जान देना पीर क्या सोच रही है रांझा माशाल्लाह जी
तेरे हुसन दिया नजदाकता दुनिया तेरी दीवानी। हाय हेलो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कैसा है तू? मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आए मिचू कैसा है तू? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी जी रियाज कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से होंगे, राज़ी होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा बाद रखे, हमेशा खुश रखे। रियाज असल फायदा बा इन्हों का घर च कोई जादू टूना नहीं चलता, कोई भी किसी ने कोई मसला खराब किया हो अपने के डंडे परिंदे, अगर खुदा ना खासा कोई जादू टूना करता पे तुहाडे घर कोई बीमारी आ गई है फिर भी अपने उत्ते लेंदे है। ठीक है ना, अगर इन्हों रखन के फायदे ही फायदे आ, और साढ़े बौजदादा ने बौजदाद भी रखते रहे हैं, तो शैतान नहीं आता, फरिश्ते खुश होंगे आ, क्योंकि जो बांग देंगे समझो ताे अगे पिछे फरिश्ते घूमते पे है, उदो दुआ मंगो तो इंशाअल्लाह पाक सुनने वाला। तो इन्हों फायदे ही फायदे आ परिंदियां दे, ते मुर्गी खसूसन। असल सर मुर्गी का मेन फायदा दसा की आ, मैनू किसी ने कहा तोते रख ला, मैनू किसी ने कहा ए रख लो कोई होर चीज़ रख लो, मैनू कोई कहता वा ए रख ला ए रख ला। सर ये बरकत बड़ी आ, ये सिस्टम बड़ा वा, रोज़ आंडा रोज़ बच्चा। ठीक है ना, ये फायदे ही फायदे, अल्लाह पाक लो निज़ाम ही ऐसा वा। अगर तुहाडे को तुहाडे रेट ना कोई माल नहीं लै रहा खुद खा के खा लो, मिसाल है तुहाडा कुछ खाने दिल किया इतों भी तो 500 किलोमीटर जाना ही आ, तो आन जा 5-6 हज़ार का पेट्रोल लगना ही आ, फिर भी उठ ही ओवरहेड पै जाना, अपना तैयार करके खुद खा लो तो रिश्ते हाल आ। ठीक है ना, तुहानू असल तुहानू कोई रेट सही नहीं दिंदा। ठीक है ना, अगर तुहानू रेट सही दिंदा वा तो उन्हें दवो वरना आप खा लो, तो ये फायदे ही फायदे आ, तो बेहतरीन निज़ाम आ, तो कम करो तो अल्लाह पाक फायदा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत देगा, तो फायदा ही फायदा वा। जी सर हुण तुसीं इह चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है जी, शुक्रिया जी।